बंधुगण, मुझे खुशी है कि आज इस पवित्र स्थान पर मुझे जगत गुरु जी की पुस्तकों के विमोचन का अवसर भी मिला है। अष्टाध्यायी भाष्य रामानंदाचार्य चरितम और भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये सभी ग्रंथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को और समृद्ध करेंगे। मैं इन पुस्तकों को जगत गुरु जी के आशीर्वाद का एक और स्वरूप मानता हूं। आप सभी को मैं इन पुस्तकों के विमोचन पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, अष्टाध्यायी भारत के भाषा विज्ञान का, भारत की बौद्धिकता का और हमारी शोध संस्कृति का हजारों साल पुराना ग्रंथ है। कैसे एक एक सूत्र में व्यापक व्याकरण को समेटा जा सकता है, कैसे भाषा को संस्कृत विज्ञान में बदला जा सकता है, महर्षि पाणिनि की हजारों वर्ष पुरानी रचना इसका प्रमाण है। आप देखेंगे दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, नई भाषाओं ने पुरानी भाषाओं की जगह ले ली, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण, उतनी ही अटल है। संस्कृत समय के साथ परिष्कृत तो हुई लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। इसका कारण संस्कृत का परिपक्व व्याकरण विज्ञान है। केवल 14 माहेश्वर सूत्रों पर टिकी यह भाषा हजारों वर्षों से शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विधाओं की जननी रही है। संस्कृत भाषा में ही ऋषियों के द्वारा वेद की ऋचाएं प्रकट हुई है, इसी भाषा में पतंजलि के द्वारा योग का विज्ञान प्रकट हुआ है, इसी भाषा में धन्वंतरी और चरक जैसे मनुष्यों ने आयुर्वेद का सार लिखा है, इसी भाषा में कृषि पराशर जैसे ग्रंथों ने कृषि को श्रम के साथ साथ शोध से जोड़ने का काम किया है, इसी भाषा में हमें भारत भूमि के द्वारा नाट्य शास्त्र और संगीत शास्त्र का उपहार मिला है, इसी भाषा में कालिदास जैसे विद्वानों ने साहित्य के सामर्थ्य से विश्व को हैरान किया है, और इसी भाषा में अंतरिक्ष विज्ञान, धनुर्वेद और युद्ध कला के ग्रंथ भी लिखे गए हैं। और ये तो मैंने केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप एक राष्ट्र के तौर पर भारत के विकास का जो भी पक्ष देखेंगे उसमें आपको संस्कृत के योगदान के दर्शन होंगे। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पर रिसर्च होती है। अभी हमने ये भी देखा है कि कैसे भारत को जानने के लिए लिथुआनिया देश की राजदूत ने भी संस्कृत भाषा सीखी, यानी संस्कृत का प्रसार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। साथियों, गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था
संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमामंडन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। बीते 9 वर्षों में हमने संस्कृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। आधुनिक संदर्भ में अष्टाध्यायी भाष्य जैसे ग्रंथ इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मेरे परिवारजनों, रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थानत्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथियों, स्वामी जी जितना धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं उतना ही समाज और राष्ट्र के लिए भी मुखर रहते हैं। मैंने जब स्वच्छ भारत अभियान के 9 रत्नों में आपको नामित किया था तो वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्ठा से उठाई थी। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है।